दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फोन की कमाल की 8 सेटिंग बताऊंगा, जो हो सकता है कि आपको पता हो या यह भी हो सकता है कि आपको पता ना हो। तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों जिसमें सबसे पहला है कि स्क्रीन ऑटो रोटेट कैसे बंद करें। दोस्तों कई बार हमारे डिवाइस में स्क्रीन ऑटो रोटेट ऑन होने की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि हमें अगर किसी को कॉल करना है, किसी को मैसेज करना है या ऐप यूज करना है, तो ऐसे में हमारा जो स्क्रीन रहता है वो ऑटो रोटेट हो जाता है। ऐसे में जो हमारा एफिशिएंसी रहता है, हमारा काम करने की स्पीड रहता है, वो कम हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में हमें स्क्रीन ऑटो रोटेट को ऑफ करने के लिए हमें सेटिंग में जाना होगा और इसके बाद एक्सेसिबिलिटी में, और इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। वहाँ पर आपको ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको ऑफ कर देना है और इसके बाद आपका स्क्रीन ऑटो रोटेट होना बंद हो जाएगा। और वहीं अगली ट्रिक है ऑटो ब्राइटनेस का यूज कर बैटरी कैसे बचाएं। दोस्तों एक मोबाइल में सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूमिंग उसकी स्क्रीन करती है दोस्तों, और अगर आपके डिवाइस में ज़्यादा ब्राइटनेस है तब तो ज़्यादा चांस है कि आपका जो बैटरी है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हो और अपने डिवाइस में ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके बाद आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इसे ऑन कर दोगे तो यह ऑटोमेटिक आपके डिवाइस का जो ब्राइटनेस लेवल रहेगा उसके अनुसार यह कंट्रोल हो जाएगा। अगर बाहर लाइट ज़्यादा हो जाएगा तो यह ऑटोमेटिक उसके हिसाब से अपने लाइट को बढ़ा देगा, और अगर आप अंधेरे में जाओगे तो यह ऑटोमेटिक लाइट को कम कर देगा, और इस तरह आपका जो बैटरी खपत रहेगा वो कम हो जाएगा और आपके आँखों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और वहीं तीसरा है कि एप्स ऑटो अपडेट कैसे बंद करें। दोस्तों कई बार हमारे मोबाइल फ़ोन में एप्स ऑटो अपडेट चालू होने की वजह से हमारा बहुत सारा डाटा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इसे आप आसानी से बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और इसके बाद आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको ऑटो प्ले वीडियोज के ऊपर आपको ऑटो अपडेट्स एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डोंट्स ऑटो अपडेट एप्स पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है और आपका डिवाइस ऑटो अपडेट बंद हो जाएगा और इस तरह आपका डाटा सुरक्षित रहेगा और इस तरह एप्स को आप अपने अनुसार ही अपडेट कर पाएंगे। और वहीं इसके बाद अगला आता है कि सिस्टम ऑटो अपडेट कैसे बंद करें। दोस्तों हमारे डिवाइस में सिस्टम ऑटो अपडेट ऑन होने की वजह से जब भी न्यू अपडेट आता है तो हमारा डिवाइस जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो सिस्टम ऑटो अपडेट होने लगता है, और कई बार पर्याप्त डाटा न होने पर बार बार नेटवर्क स्कैन होने से बहुत ज़्यादा चार्ज खपत हो जाता है या डिवाइस ऑफ हो जाता है, और ऐसे में हमारा डिवाइस का सिस्टम करप्ट होने का खतरा या चांस बढ़ जाता है। तो सिस्टम ऑटो अपडेट को ऑफ करने के लिए आपको को सेटिंग में जाना होगा और इसके बाद सिस्टम में, और इसके बाद आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहां से आपको डोंट ऑटो डाउनलोड द सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना होगा और सिस्टम ऑटो अपडेट होना बंद हो जाएगा। और वहीं पांचवा है पावर बटन का यूज कर डायरेक्ट कॉल कैसे एंड करें। आपके डिवाइस में फोन आता है या अगर आप बात कर रहे हो और ऐसे में अगर आपको कॉल एंड करना है तो आप डायरेक्ट पावर बटन को प्रेस कर कॉल एंड कर सकते हैं। तो दोस्तों पावर बटन से कॉल एंड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा और इसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना होगा और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर आपको पावर बटन एंड कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको ऑन कर देना है। अब इसके बाद जब भी आप बात कर रहे हों या अगर आपके डिवाइस में कॉल आता है तो आप डायरेक्ट पावर बटन को प्रेस कर कॉल को एंड कर सकते हो। और वहीं छठवां है यूज अल्ट्रा बैटरी सेटिंग। दोस्तों अल्ट्रा बैटरी सेटिंग के द्वारा आप अपने बैटरी को लंबे समय तक यूज कर सकते हो।
इसे ऑन करने पर ऑटोमेटिक आपका थीम डार्क थीम में बदल जाएगा। आपका बैकग्राउंड एप्स जो कि हैवी लोड हैं वो बंद हो जाएंगे, आप सिलेक्टेड एप्स को ही यूज कर पाएंगे और बैकग्राउंड में चल रहे सिंक जीपीएस वाइब्रेशन ये सब बंद हो जाएंगे। दोस्तों आपके डिवाइस में जब कम चार्ज होता है तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है, पर इसे आप मोबाइल न यूज होने पर कभी भी यूज कर सकते हो। यह आपके ऊपर शॉर्ट सेटिंग में भी देखने को मिल जाता है जहाँ से आप इसे डायरेक्ट ऑन कर सकते हो। और वहीं सप्तमा है स्क्रीन डिस्प्ले एंड फॉन्ट डिस्प्ले सेटिंग। दोस्तों कई बार हमारे मोबाइल डिवाइस में फॉन्ट साइज और डिस्प्ले साइज सही ढंग से न होने के कारण हमारा जो स्क्रीन का जो ऐप आइकन है या लिखावट है वो बहुत छोटा या बड़ा दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों आप इसे आसानी से सुधार सकते हैं, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा और इसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना होगा और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हो और नीचे आपको डिस्प्ले साइज मिल जाएगा, इसे आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो और इस तरह आप अपने डिवाइस का स्क्रीन साइज और लिखावट को अपने हिसाब से बदल सकते हो। और दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको अंगली मोबाइल सेटिंग बताऊं, आप जहां से यह वीडियो देख रहे हैं वहां पर आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको ऑल पर क्लिक कर देना है। इससे यह होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों यही अंगली ट्रिक है कि जब भी यूट्यूब में न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जिससे कि इस वीडियो की जानकारी सभी को मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में एक नई जानकारी एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।